नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हंगामा टाइम्स न्यूज में, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं बड़ी और खास खबरें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सर, क्या दुर्घटना रही है पूरा जो लालगंज में हत्या हुई है? 27 मार्च की देर रात को थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के गदियाना गांव में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिता द्वारा अपने पुत्र पे चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और मृतक की पत्नी की तहरीर पर हत्या की धाराओं में मुकदमा थाना मोहनलालगंज पे पंजीकृत किया गया। हत्या अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था, जिनके द्वारा अथक प्रयासों उपरांत 24 घंटे में इस हत्या अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम माता प्रसाद है। पूछताछ में इसके द्वारा अपने जुर्म का इकबाल किया गया और बताया गया कि घटना की रात शराब खरीदने के पैसे को लेकर इसका अपने पुत्र से विवाद हुआ था, जो कि इसका इकलौता बेटा था, और आए दिन इस प्रकार का विवाद इनमें चलता था। घटना वाली रात में भी इनके बीच में झगड़ा हुआ, इस चीज को लेकर अपने पुत्र वधू के जेवर बेचने को लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ, और इसी विवाद में, उसी झगड़े में चाकू से उसने और एक पाइप से प्रहार कर दिया अपने बेटे पे, जिसकी वहां मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर इसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो जानकारी में आया है, पूछताछ में इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। शराब पीने के पैसे को लेकर बीच में इनके झगड़ा होता था, ये बहुत शराबी प्रवृत्ति का व्यक्ति है।